हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैंने 2 लीटर मिल्क ले लिया है, उसे उबलने रख दिया है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पिठा। पिठा बनाने के लिए हमने यहाँ 2 लीटर, सॉरी गाइस, यहाँ मैंने 2 केजी राइस पाउडर लिया है और 2.5 लीटर पानी लिया है। अब 2 केजी राइस पाउडर में पानी में धीरे धीरे मिला लूँगी और फिर मैंने डाल दिया यहाँ 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अब मैं इसे हाथ से मिलाऊंगी अच्छी तरह से और 3 से 4 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा जो ग्रेवी बना है वो कैसा है, एकदम लिक्विड जैसा मैंने बना लिया है इसे। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। आज मैं इसे बनाने वाली हूँ तवा में। ये पिठा सिर्फ तवा में बनता है। तो मैंने एक मिट्टी का तवा ले लिया और उसे अच्छी तरह से एक कपड़ा भिगा के साफ़ कर लिया। तो यहाँ जो मैंने पिठा का जो लिक्विड मैंने घुल के रखा था उसमें 3 से 4 घंटा हो गया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हो गया था। तो एक्स्ट्रा जो पानी था वो मैंने निकाल के फेंक दिया और मैं तवा में मैंने फुल फ्लेम रखा है और फिर इसमें डाल दिया 1 चम्मच पिठा और साइड से मैंने डाल दिया थोड़ा पानी। तो 5 मिनट हो गया है, मेरा पिठा जो है वो बन के रेडी हो गया है। ऐसे मैंने 10 से 12 पिठा बनाए हैं। ये जो पिठा है फ्रेंड्स, इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और हनी के साथ भी खा सकते हैं, मिल्क मेड के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने अमूल लिया है, अमूल्य अमूल, और जो मैंने 2 लीटर दूध उबालने रख दिया था वो उबाल के 1 लीटर हो गया है। फुल फैट मिल्क था, तो देख सकते हैं उसमें कितना सारा मलाई है। तो उसमें मैं डाल दूंगी अमूल। यहाँ मैंने अमूल डाल दिया। अमूल मैंने 1 कप दूध में अमूल्य अमूल 2 पैकेट डाल के मिला के रख दिया था। और यहाँ मैंने ले लिया मैदा, 2 चम्मच मैदा लिया मैंने और 1/2 कप पानी में घुल रही हूँ। घुल के मैं इसे भी डाल दूंगी मिल्क में। तो इसमें इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मिल्क जो है वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तब देख सकते हैं एकदम गाढ़ा हो गया है। मैंने गैस ऑन करके रखा है और इसमें डाल दिया मैंने मीठा होने के लिए मिल्क में 2 चम्मच। आप चाहे तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शुगर डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा पानी हो जाता है, पानी जैसा निकलता है शुगर, तो इसीलिए। और मिल्क में तो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इसीलिए टेस्ट भी ज़्यादा आता है और हमारा मिल्क जो है वो एकदम ग्रेवी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बड़ा सा हॉटकेस में पिठा को रख दिया है। पिठा एकदम गर्म गर्म है और इसमें डाल दूँगी मैं जो दूध मैंने तैयार करके रख दिया था वो पूरा उबल के गर्म गर्मा गर्म मैं दूध डालूँगी। देख सकते हैं उसमें से धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब एकदम गर्मा गर्म मिल्क है। ये गर्मा गर्म मिल्क डालने से क्या होगा, पिठा जो है उसका अंदर बाहर सब में दूध पहुंच जाएगा और बाकी जो रह जाएगा वो धीरे धीरे से अंदर में चला जाएगा। तो मैंने अब लगा लिया दूसरा लेयर। दूसरा लेयर में से उसी तरह मैंने मिल्क डाल दूँगी मैं और इसे रख दूँगी 5 से 7 घंटे तक। यह बहुत आसानी से बन जाता है। आप चाहे तो इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं और ब्रेक इवनिंग में जो हम स्नैक्स लेते हैं चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो आज मैं इसे ऐसे बना रही हूँ मिल्क के साथ और आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, क्योंकि यह खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं देखने में भी इतना टेस्टी लग रहा है, लेकिन अभी अभी ये नहीं बनेगा, गर्मा गर्म नहीं बनता है ये। अब तो ठंडा का सीज़न है, तो इसीलिए मैंने इसको बाहर रख दिया था। गर्मा के सीज़न हो तो आप इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे फूल के एकदम बड़ा बड़ा सा हो गया है और एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। अब मैं इसे सर्व करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स आप इसे बना सकते हैं एकदम ईजीली। तो यहाँ मैंने क्या था, 2 केजी में 2.5 लीटर पानी डाला था, तो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं पानी। 1 केजी में 1.5 लीटर या तो या 1/2 केजी में 1 लीटर,
ऐसे डाल के मिला के आप बना सकते हैं। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ नमक और बेकिंग पाउडर दे के आपको बनाना है और आप ऐसा खा सकते हैं। मैंने थोड़ा तो बड़ा बड़ा साइज़ लिया है क्योंकि आज हम लंच में इसे खाने वाले हैं, सॉरी डिनर में इसे खाने वाले हैं, तो इसीलिए हम रोटी के बदला ये खाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 से 6 घंटा हो गया और मेरा पिठा जो है एकदम सॉफ्ट हो गया है, खाने के लिए रेडी हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।